नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और सीधे आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। भारी संख्या में लोग इस अस्थि कलश यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। तो अटल जी की अस्थि कलश यात्रा, जो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं लखनऊ की, आप देख सकते हैं लखनऊ की सड़कों पर किस तरह से भारी भीड़, जन सैलाब धीरे धीरे उमड़ रहा है। और अटल जी की अस्थि कलश यात्रा का शुभारंभ जो कि 12:15 बजे के आसपास से होना था, थोड़ा विलंब हुआ मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन इस वक्त आप सीधे तौर पर सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। तो अटल जी की अस्थि कलश यात्रा, अलग अलग जगहों पर बीजेपी की तरफ से अटल जी को नमन करते हुए, अटल जी को याद करते हुए, उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए उनकी कलश यात्रा अलग अलग जगहों पर निकाली जा रही है। और उसी क्रम में लखनऊ की जो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर इस यात्रा में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता इस वक्त अस्थि कलश यात्रा में दिख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई है। थोड़ा विलंब ज़रूर हुआ है, लेकिन हरिद्वार की घटना के बाद जिस तरह से वहाँ पर अव्यवस्था फैली थी, उस अव्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बीजेपी ने संकल्प किया था कि आगे की जब भी कलश यात्रा संपन्न होगी पूरी तरह से व्यवस्था के साथ। और इस वक्त लखनऊ की सड़कों पर भारी संख्या में लोग शरीक होने के लिए, अस्थि कलश यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। और सुबह से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे, अस्थि कलश के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद 12:15 बजे का इनका कार्यक्रम था, लेकिन थोड़ा विलंब हुआ है मौसम खराब होने की वजह से। इसके बाद अस्थि कलश यात्रा में शरीक होने के लिए आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग लखनऊ की सड़कों पर इस वक्त अस्थि कलश यात्रा के पीछे पीछे जाते दिख रहे हैं। तो अस्थि कलश को लेकर लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहले पहुंचे, इसके बाद वहां से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई है, जो कि सीधे आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब के साथ अस्थि कलश यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस अस्थि कलश यात्रा में शरीक होने के लिए दिल्ली से पहुँचे हैं। बीजेपी के तमाम कई बड़े नेता आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस अस्थि कलश यात्रा में साथ में चल रहे हैं, और पीछे पूरा जन सैलाब। और इस अस्थि कलश यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। जिस गाड़ी को आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में अटल जी की अस्थि रखी गई है कलश में। और अस्थि कलश यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का यही है कि अटल जी की उपलब्धियों को याद करना। अटल जी ने जो काम किया है देश के लिए, भारत रत्न थे अटल जी, भारत रत्न उन्हीं को मिलता है जो भारत के विकास और उसकी सोच को आगे ले जाने का बड़ा काम करता है, और अटल जी ने ऐसा किया था। लालजी टंडन को भी आप देख सकते हैं, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस अस्थि कलश यात्रा के साथ। और इस कलश यात्रा के पीछे पीछे आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो जन सैलाब उमड़ा है। जिस वक्त अटल जी का निधन हुआ था पूरा देश शोक संतप्त था, उसके बाद अलग अलग जगहों पर अस्थि कलश यात्रा निकालने का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया। अटल जी के यादों को संजोने के लिए, अटल जी की उपलब्धियों को बताने के लिए, अटल जी कितने महान थे, कितने बड़े सपूत थे देश के, इस बात को पूरा देश पूरी तरह से वाकिफ है, बताने की जरूरत भी नहीं है। इसके बावजूद देश की जनता का जो प्रेम अटल जी के साथ हमेशा से बना रहा है, कुछ इसी की वानगी कलश यात्रा में, अस्थि कलश यात्रा में भी देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा,
इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कलश यात्रा के साथ साथ जाते हुए, और इसके बाद पूरा जन सैलाब इस अस्थि कलश यात्रा में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं अपने प्रिय नेता जो इस वक्त हम लोगों के बीच में नहीं हैं। इसके बावजूद उनकी उपलब्धियां, उनकी महानता, उनका व्यक्तित्व, उनका जो बड़ा प्रोफाइल था, चाहे वो कवि के तौर पर हों, पत्रकार के तौर पर हों, राजनेता के तौर पर हों या फिर बेबाक नेता के तौर पर हों, गलत बातों पर हमेशा टोकने वाले नेता के तौर पर भी जाने जाते थे कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इसी नीति पर, इसी आदर्श पर अटल जी पूरी जिंदगी उन्होंने यापन किया और इसी आदर्श पर चलने की सलाह पूरे देश की जनता को हमेशा वो देते रहे, और यही वजह है कि पूरे देश की जनता अथाह एक अलग तरह का प्रेम, अलग तरह का संबंध इनके व्यक्तित्व के साथ देश की जनता का बना। और इसी के मद्देनजर जब उनका निधन हुआ, पूरा देश शोक संतप्त हुआ, लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अटल जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।